स्टडी आई क्यू अब तैयारी हुई नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेघालय की एक केव के बारे में मेघालय में एक गुफा है जिसका नाम है ममला केव उसके बारे में हमारी चर्चा चलने वाली है यह गुफा आपको मिलती है ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट में इन मेघालय तो सभी मेरे खासी के भाइयों और बहनों को नमस्कार कैसे हो आप सभी लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ममला केव होपफुली फुली माई प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट ममला केव को एक रिक्निशन मिली है हाल ही में ममला केव फ्रॉम मेघालय इट हैज बीन सेलेक्टेड इन फर्स्ट हंड्रेड जियो हेरिटेज साइट लिस्टेड बाय यूनेस्को यूनेस्को के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है आई यू जी एस इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोलॉजिकल साइंसेस इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है टॉप हंड्रेड में मामला केव को तो आज हमारी डिस्कशन उसी पे होने वाली है इस केव के बारे में हम लोग जानेंगे इस केव की स्पेशलिटी को जानेंगे इस केव से जुड़ी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे इनफैक्ट मैं कहूंगा ये डिस्कशन बहुत ही ज़रूरी होगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रल्लम्स के दृष्टिकोण से हर एक स्लाइड जो मैं डिस्कस करने वाला हूं इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पर्सपेक्टिव अलग अलग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं ममला केव के बारे में इसकी लोकेशन के बारे में आई के बारे में हेरिटेज लिस्ट के बारे में हेरिटेज लिस्ट या फिर ये जियो हेरिटेज साइट जियो हेरिटेज लिस्ट जो है इसके बारे में सवाल आ सकते हैं या फिर स्पेसिफिक थिंग्स अबाउट केव्स अबाउटो क्योंकि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा केव फॉर्मेशन के बारे में भी चर्चा करने वाले स्पेशली जो कास्ट टोपोग्राफी होती है लाइमस्टोन टोपोग्राफी उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी टू गेट टू नो दैट स्टे विथ मी टिल द वेरी एंड चलिए चर्चा शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो लेकिन आपके पास ये आखिरी मौका है यू हैव ओनली अपॉर्चुनिटी टिल एटीन अक्टूबर दिस इज लास्ट बैच बैच सेवन जहां पे यूपीएससी सिविल सर्विस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का प्रिपरेशन कर सकते हो घर बैठे आप जानते हैं कि दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज दी मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम एंड मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम आपको ये पूरा जो कोर्स है जो कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है यूल गेट इट फॉर ओनली एटीन नाइन 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 लेकिन आपको एक काम करना है अगर ये प्राइस चाहिए तो आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा राहुल लाइफ अगर आप वेबसाइट पे जाए या ऐप पे जाए वहां पे जब भी आप चेकआउट करें इस पर्टिकुलर कोड का इस्तेमाल करें तो गेट एट इसमें आपको क्या मिलेगा कंप्लीट कोर्स मिलेगा 900 सौ घंटों से ज्यादा लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी वन टू वन मिलेगी ग्रुप मेंटरशिप मिलेगी करंट अफेयर्स प्रोग्राम मिलेगा सक्सेस इन प्रोग्राम मिलेगा एवरीथिंग द होल शिबैंग इन वन पर्टिकुलर पैकेज इसी में आपको की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी जहां पे आपको ऑलमोस्ट 50 टेस्ट मिलेंगे मॉक टेस्ट आप ले सकते हो बिफोर गोइंग टू प्रिलिम्स बात की है Enroll now. Do not wait till the last date. This is the last opportunity. Note the date 18th October. Right? Don't forget it. चलिए चर्चा शुरू कर जैसे कि मैंने आपको खबर बता दी यहां पे आप देख सकते हो ट्वीट कॉनराड संगमा का चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय इन्होंने कहा कि ममला केव इन सोहरा इन मेघालय काम तो करता है यूनेस्को के साथ यूनेस्को क्या है संयुक्त राष्ट्र की स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका एक प्रोग्राम है जियो साइंस एंड जियो पार्क प्रोग्राम जो आईयूजीएस ही इंप्लीमेंट करता है और इन्होंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जियोलॉजिकल साइट्स आपने इससे पहले यूनेस्को की हेरिटेज साइट के बारे में जरूर सुना होगा राइट हेरिटेज साइट जहां पे टेंजिबल हेरिटेज इंटैंजिबल हेरिटेज की लिस्ट पड़ी हुई है तो यहां पे अभी आईयूजीएस इज वर्किंग विद द जियोलॉजिकल साइट्स और इसमें खबर यह है कि जो मेघालय की केव है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मामला केव कहां पे आती है इन द ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट आती है ये फर्स्ट हंड्रेड जियोलॉजिकल हेरिटेज लिस्ट में सेलेक्ट हो चुकी है ये अनाउंसमेंट आई राइट तो अभी 100 साइड से छप्पन कंट्री से जिसका जो फुल लिस्ट है वो आपको जल्दी पता चलेगा कुछ ही दिनों में आई की इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोलॉजिकल साइंसेस की सिक्सटी एनिवर्सरी है जहां पे जो इवेंट होने वाला है अक्टूबर की एंड में इवेंट होने वाला है इन जुमैया इन स्पेन बास्का रीजन में आता है जुमैया स्पेन में तो वहाँ पे इनका एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होने वाला है जहाँ पे पूरी हंड्रेड जो जियो हेरिटेज साइट्स है उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी इनफैक्ट चलिए काम करते हैं थोड़ा सा लोकेशन पे चलते हैं लेट्स गो टू द लोकेशन ये कहाँ पे है एक्जैक्टली exactly, क्योंकि इसका महत्व तो आपको समझना चाहिए क्योंकि अब हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं मामला केव के बारे में उसकी इंपॉर्टेंस आपको समझनी चाहिए जिसके लिए आपको लोकेशन बहुत जरूरी होता है जैसे कि मैंने आप कहता मेघालय मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सर्च किया हुआ है लेट्स जूम इन अ लिटिल देखिए थोड़ा थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूं तो आप देख सकते हो यहां पे है साइट यू कैन सी हियर मॉमला जैसे मैंने सर्च किया शिलोंग से अप्रोक्सिमेटली सिक्सटी किलोमीटर नीचे आता है और मैं चाहता हूं कि आप एक और चीज पे ध्यान दें क्योंकि जैसे हम लोग मॉमला सर्च करेंगे आपको दो और लोकेशन दिखेगी एक यहां पर आपको दिख रहा होगा मोसिन राम अनदर वन इज मोसन राम एंड यू कैन सी चेरापुंजी ऑल्सो राइट right? तो चेरापुंजी भी यहां पे है पास में ही है चेरापुंजी और आप जानते हैं चेरापुंजी और मोसिन राम दे आर नोन फॉर रेनफॉल रिकॉर्ड रेनफॉल तो ये डिस्कशन में हम लोग भी जानेंगे कि इस ममला केव का क्या रेनफॉल की रिसर्च के ऊपर कुछ कनेक्शन है ये भी हम लोग डिस्कशन करने वाले तो so, लोकेशन आपको पता चल चुकी है ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट में है शिलोंग से सदर्न साइड में आता है साठ किलोमीटर दूर है वहाँ पर राइट ममला केव लेकिन इस केव को जानने से पहले लेटस फर्स्ट टॉक अबाउट आई यू जी एस राइट फर्स्ट टॉक अबाउट द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस राइट ये है क्या ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी जो है यूनेस्को उनके साथ काफी क्लोजली काम करते हैं यहाँ पे आपकी टोटली totally जो मेंबरशिप है ऑफ 121 कंट्रीज 1961 में आईओजीएस की स्थापना हुई थी इनफैक्ट जो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की समिट चल रही थी मीटिंग चल रही थी उसी के दौरान 1961 में इसकी शुरुआत हुई अब नाम से ही पता चल रहा है आपको इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोलॉजिकल साइंसेस यानी कि जियोलॉजी से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होती है अर्थ साइंसेस से जुड़ी हुई चीजें होती है उनको प्रमोट करते हैं अगर आप इनके काम के बारे में देखें आई इज करेंटली इन्वॉल्व इन वाइड एक्टिविटीज जहां पर वो टेरेस्ट्रियल प्रॉब्लम जियोलॉजिकल प्रॉब्लम जियोलॉजिकल प्रोसेस इनो सब इन्हें इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं जैसे कि आपको पता है नाइनटीन में इसकी स्थापना हुई थी तो इस साल 2022 में टेक्निकली सिक्सटी वन ईयर्स होने चाहिए लेकिन इनका जो सेलिब्रेशन हो रहा है सिक्सटीन एनिवर्सरी का लास्ट ईयर इट डिट नॉट हैपन बिकॉज ऑफ कोविड है इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इनका हेडक्वार्टर्स आता है बीजिंग में और ये बहुत ही क्लोजली काम करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया यूनेस्को की इंटरनेशनल जियो साइंस एंड जियो पार्क प्रोग्राम के साथ और इन्होंने इस बार शुरू किया है आई यू जी एस जी एच एस जी एच एस क्या है जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट कई सालों से एक्सपर्ट्स ने कहा था कि इस तरह की साइट की ज़रूरत है जहां पे हमें अर्थ की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है जियोलॉजी की स्टडी हम लोग कर सकते हैं अलग अलग प्रोसेस को समझ सकते हैं अर्थ का जो बेसिक एंशंट हिस्ट्री उसको समझ सकते हैं तो फाइनली ये फुलफिल हो चुका है आई की जो हेरिटेज लिस्ट है यहाँ पे जो की प्लेसेस रहेंगे ऑफ जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जैसे कोई वॉल्केनो है जैसे कैलडेरा वॉल्कैन कैलडेरा क्या होता है वॉल्केनो अगर बर्स्ट हो जाए खुद पे ही वो कलेब्स हो जाए तो एक एक कैलडेरा बन जाता है एक जहाँ पे आपने कैलडेरा लेक्स को सुना होगा तो कैल्डेरास क्यों बनते हैं उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए कुछ इस तरह की आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल तो जो भी जियोलॉजी वाली इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल लेवल्स वाली चीजें होती है उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए ये लिस्ट बनाई गई है अगर कोई भी कोई भी जियोलॉजिकल साइट है इज कनेक्टेड टू टेक्टोनिक्स प्लेट टेक्टोनिक्स हो स्टैटिग्राफी हो सेडिमेंटोलॉजी हो पेट्रोलॉजी हो मिनरोलॉजी होगी पेलेंटोलॉजी हो पेलेंट कोई भी साइट हो जो लगती है कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम जियोलॉजिकल परस्पेक्टिव उसकी नॉमिनेशन दी जा सकती है और यहाँ पे छप्पन कंट्रीज ने अपनी नॉमिनेशन भेजी थी टू तो आई यू जी एस जहाँ पे वन एटी वन नॉमिनेशन आए थे जिसमें से हंड्रेड को सेलेक्ट किया गया और इस हंड्रेड में आप जानते हैं कि द मामला केव Is already there. बाकी जो हंड्रेड है लिस्ट, उसमें कुछ लोकेशन से ग्रीस के अलग अलग कंट्री से आ चुके हैं कुछ कैलडेरा लेकिन कैलडेरा है तो जब लिस्ट आएगी तो आप उसको थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा इनफैक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे उस लिस्ट में से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर है फ्रॉम एक्सामिल डिस्कस बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी मामला केव जैसे कि मैंने आपको बताया अनाउंसमेंट कब होने वाली है पच्चीस से अट्ठाइस अक्टूबर पर IUGS का जो सेलिब्रेशन हो रही है वहां पे जो हंड्रेड है फर्स्ट हंड्रेड उसको अनाउंस किया जाएगा आई टोल्ड यू द प्लेस बास्क कोस्ट इन स्पेन जहां पे जुमिया में इसको अनाउंस किया जाएगा इसके अलावा लेट अस टॉक अबाउट द मामला केव देखिए मामला केव कहाँ पे आता है मेघालय में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है शिलोंग से सदर्न साइड में सिक्सटी किलोमीटर्स अवे है इनफैक्ट ये फोर्थ लॉन्गस्ट केव कही जाती है राइट दिस इज दी फोर्थ लॉन्गेस्ट केव इन द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट और मेघालय में बहुत सारी गुफाएं जो काफी लंबी लंबी है इनफैक्ट दी लॉन्गेस्ट केव्स दे डू कम इन मेघालय इट्सल फॉर एग्जाम्पल क्रेम लियतप्रा है क्रेम कोत्साती है क्रेम टिंग है जो लॉन्गेस्ट केवस है जो मेघालय में मिलते हैं इसके अलावा दर इज मॉमला केव अब केव का जो वर्ड है खांसी में वो है क्रेम क्रेम का मतलब है केव यानी कि गुफा गुफा का नाम है मोमला जिसकी लेंथ है 7.2 पॉइंट टू किलोमीटर्स और इस पर्टिकुलर गुफा में आपको न्यूमरस स्टेलासाइट और स्टेलग्माइट मिलते हैं राइट सेलेक्साइट्स और स्टेलगमाइट आपको मिलते हैं यहाँ पे इसके अलावा इस गुफा की फॉर्मेशन कैसी है इसमें आपको किस तरह के रॉक्स किस तरह की चीजें मिलती हैं थेरिया सैंडस्टोन यहाँ पे आपको सैंडस्टोन की फॉर्मेशन मिलती है इसके अलावा आपको डोलोमाइट की फॉर्मेशन मिलती है डोलोमाइट क्या है डोलोमाइट इज बेसिकली कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट इसके अलावा आपको लाइमस्टोन मिलता है सिलेट लाइमस्टोन के भी आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं चलिए मैं आपको इस केव की पिक्चर दिखाया था जो ट्वीट की थी चीफ मिनिस्टर ने यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हो तो गुफा के अंदर जाने का तो मैं आपको पिक्चर बता रहा हूँ ये आप देख सकते हो कुछ चीजें हैं जो यहाँ से हैंग हो रही है राइट कुछ चीजें हैं जो नीचे से भी बढ़ रही है कुछ आपको यहाँ पे कुछ पिलर्स भी दिखाई देंगे और केव की मामला केव की मल्टीपल एंट्रेंसेस है ये बताया जाता है मल्टीपल एंट्रेंसेस है अलग अलग स्ट्रक्चर्स है इनफैक्ट ममला के आसपास ही बहुत सारी केव केव्स मिलती है राइट जैसे कि मोमसाई केव है विच इज ओपन टू पीपल लेकिन ये केव लोगों के लिए ओपन नहीं है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डार्कनेस होती है बहुत ही कम सनलाइट यहाँ पे पेनिटेड कर पाती है सो दिस साइट हैज़ बीन सेलेक्टेड इन दी टॉप हंड्रेड अब मैं आपको बता रहा था कि केव फॉर्मेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया इस केव में आपको क्या क्या मिलता है आपको मिलते हैं सेलेक्टाइट सेलेक्टाइट मतलब है जो टॉप से बिल्ड होते हुए आते हैं आपने देखा होगा कि लाइमस्टोन टोपोग्राफी में जैसे कि कार्स टोपोग्राफी कहते हैं लाइमस्टोन टोपोग्राफी में क्योंकि पानी की वजह से यहाँ पे जो जो आपकी डिपोजिशन होगी लाइमस्टोन की या फिर डोलोमेट की डिपोजिशन होगी समझ लीजिए पानी के साथ धीरे 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 ऊपर से भी डिपोजिशन हो रही है नीचे से भी आपको जो डिपोजिशन मिलती है उसको कहते हैं

स्टेलेक्टाइट जो ऊपर से डेवलप होते हैं स्टेलेगमाइट जो रॉक्स नीचे से बिल्ड होते हुए जाते हैं और कई बार स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट जब मिल जाते हैं तो इस तरह के आपको कॉलम या फिर पिलर्स भी बन जाते हैं तो मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी उस पर्टिकुलर केव की राइट right? तो आपको मॉमला केव्स में प्रोडोमिनेंटली स्टेलेक्टाइड भी मिलते हैं स्टेलेगमाइट भी मिलते हैं तो अगर ये स्टेलेगमाइट अभी समझ लीजिए बहुत बहुत ज्यादा थिन है तो आपको थिन थिन लाइन्स ऑफ लाइमस्टोन भी मिल जाते हैं ठीक है थीके? इसके अलावा अगर हम लोग मामला केव के बारे में बात करें वी हैव टू नो सम बाइट फ्रॉम हिस्ट्री यहाँ पे क्यों क्योंकि ये कहा जाता है कि मॉमला केव की डिस्कवरी किसने की थी और यह प्रिंट भी हुआ था बंगाल गेजेट में आप जानते हो कि बंगाल गेजेट इज द फर्स्ट न्यूज पेपर फर्स्ट इंग्लिश न्यूज पेपर इन इंडिया और इन्होंने बताया था कि लेफ्टिनेंट यूल एक ब्रिटिशमैन थे जिन्होंने इस केव की डिस्कवरी की थी वे बैक इन एटीन राइट इसके अलावा इस केव के ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च हुई है इस केव में यह बताया था द केव इट इज़ बिलीव दैट द स्टेलगमाइट फॉर्मेशन यानी कि जो नीचे से फॉर्मेशन हुए स्टेलेगमाइट के फॉर्मेशन हुए ये प्रूव कर चुके हैं कि 200 साल लंबा एक सूखा पड़ा था ड्रॉट आया था और इसकी वजह से जो हम लोग कहते हैं कि अलग अलग एक्सटेंशन आए थे आईसी एज में एक्सटेंशन हुआ था 4200 थाउजेंड टू हंड्रेड ईयर्स अगो बहुत से सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म हुए थे इस तरह की हम लोगों ने देखी हुई है फ्रॉम दी एंशंट और दी ओल्ड हिस्ट्री इसकी प्रूफ मिलती है आपको फ्रॉम दी मॉमला के वॉल्सो और इसी के लिए सिम्बॉलिकली इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को मेघालयन एज का भी नाम दिया गया तो आपको ध्यान रखना है मेघालयन एज क्या है मेघालयन एज अप्रॉक्सीमेटली फोर थाउजेंड टू हंड्रेड ईयर्स है वो जब आइस एज हुआ था अगर आफ्टर द आईसेज जहाँ पर बहुत सारे सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हुए थे उसे मेघालयन एज भी कहा जाता है राइट कनेक्टेड टू द मामला के और ये जो

सनलाइट मिलेगी इट इज एक्सपोज टू सनलाइट यानी कि 75 परसेंट इज एक्चुअली श्राउडेड इन डार्कनेसली डार्क है right? इसके कि जो नीचे से डेवलप होते हैं स्टेलेक्टाइट स्ट्रक्चर भी है स्टेलेगमाइट स्ट्रक्चर्स भी आपको मिलेंगे इसके अलावा इसी पर्टिकुलर केव में कहा जाता है कि एक डीप पुल है यानी कि पानी का पुल भी है और इस पुल में यह कहा जाता है कि पानी आता है पांच नदियों से फाइव डिफरेंट रिवर्स विच आर बेसिकली ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र राइट पांच अलग अलग नदियों से पानी आता है इस पर्टिकुलर पुल में ये बिलीव सिस्टम है इसके अलावा एक और बहुत जरूरी चीज है इट इज नॉट वर्दी कि हमें यह जानना है कि केव्स में रिसर्च की है यूनाइटेड स्टेट्स के रिसर्चर्स ने कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च किया जहां पे इन्होंने यहां के स्टेलग्माइट फॉर्मेशन को पिछले 50 साल से स्टडी किया है जिससे इन्होंने जो जिन इन्होंने समझा है या फिर इन्होंने समझने की कोशिश की है कि इतनी ज़्यादा बारिश क्यों होती है मौसन राम और चेरापुंज में इतनी ज़्यादा बारिश क्यों होती है इसके अलावा इन्होंने साइंटिस्ट ने ये भी कनेक्ट किया है देर इज अ कनेक्शन बिटवीन द विंटर रेनफॉल जब भी विंटर रेनफॉल होता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में उसका कुछ ना कुछ परिणाम होता है ऑन द पैसिफिक ओशन पैसिफिक ओशन के क्लाइमेट के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है ये बताया तो यहाँ पे काफी सारी रिसर्च हुई है लाइमस्टोन टोपोग्राफी के ऊपर रेनफॉल पैटर्न के ऊपर क्यों इतना रेनफॉल होता है जो पिलियोटॉलॉजिकल स्टडी हुई है वो भी हुई है यहाँ पे मैंने आपको बताया मेघालय एज के बारे में सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर अबाउट द एग्जाम मोमला केव के बारे में इसके अलावा हम लोग को इस हेरिटेज लिस्ट के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोलॉजिकल साइंसिस की जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट की अभी लिस्ट जो बनी है ये इसकी डिमांड मैंने आपको बताया कई सालों से चल रही थी साइंटिस्ट इसके बारे में पूछ रही थी कि हमें एक जियोलॉजिकल हेरिटेज लिस्ट बनाने की जरूरत है और फाइनली दिस हैज़ बीन फुलफिल्ड और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे मोमला केव के लिए तो क्यों क्योंकि मोमला केव जो है मैंने आपको बताया कार्स टोपोग्राफी और लाइमस्टोन टोपोग्राफी यहाँ पे मिलती है आपको कैलसाइट मिलता है आपको लाइमस्टोन है आपको डोलोमाइट यहाँ पे मिल रहा है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल किसके लिए है सीमेंट बनाने के लिए और जहाँ पे ये केव है उसी केव से थोड़ी दूरी पे अलग अलग सीमेंट फैक्ट्रीज सिमेंट फर्म्स भी बने हुए हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दर इज मोमला चेरा सीमेंट लिमिटेड जो मोमला केव जो है जो गुफा है गुफा के आसपास गुफा के अंदर से भी लाइम स्टोन यहाँ पर वो एक्सप्लॉयड करते हैं लाइम स्टोन इज अ मेन इंग्रेडिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट और इसके चलते कई बार इसके खिलाफ विरोध भी हुआ है कई सारे एन्वायरमेंटलिस्ट ने इसके ऊपर आवाज़ भी उठाई है लेकिन कुछ हुआ नहीं था अभी होपफुली इसके ऊपर जब ये जी में आ चुका है जब ये जी में आ चुका है इसके ऊपर इंपॉर्टेंस आ जाएगी इंटरनेशनल आई रहेगी इसके ऊपर सो दिस वुड बी प्रिजर्व फॉर श्योर लेट अस वेट एंड वॉच अगर कोई डेवलपमेंट होगी यहाँ पे क्या कंप्लीटली लाइमस्टोन माइनिंग इन दी मामला केव एंड द एरिया अराउंडेड ये होगा या नहीं इसके ऊपर हमारी नजर जरूर रहेगी जब भी कोई अपडेट आएगी तो हम लोग बात जरूर करेंगे लेकिन ये बहुत ही अच्छी खबर है मामला केव के लिए क्यों क्योंकि इट विल बी प्रिजर्व इट विल बी कंजर्व टूरिस्ट अट्रैक्शन भी यहाँ पे जरूर बढ़ी है अगर इस पर कोई अपडेट आएगी तो हम लोग जरूर चर्चा करेंगे ऑन